फैंस, ये अपने एम टी के साथ लिखेंगे और हम एफ जेड एस के साथ पार्किंग मिले, हमें जगह मिल गई है। ये है भाई, दिख रहा अच्छे से, 12 घंटे के 60। अभी हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। अभी हमने अपनी बाइक पार्किंग वगैरह पर लगाई है, ये हमने और लॉकर लिया था, तो ये हैं, इन्होंने लिए हैं 12 घंटे के 50 रुपये। इनको ही पता है कि यार ऊपर ऑब्वियसली एक बंदा ऊपर जाएगा तो दो एक दिन तो ऊपर स्टे करेगा ही करेगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए, यहाँ से कैब मिलती है, कैब 50 रुपये लेती है और आपको वहाँ उतार देती है। देखो पूरा पिछले साल तो 50 रुपये था, इस साल देखो क्या होता है। और लाइन बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे। हो सके तो इस टाइम पे ना ही आओ आप, तो अपने उस पे आओ जब ऑफ सीज़न हो तभी आओ ताकि भीड़ वगैरह कम हो। मज़ा तो अभी है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, मज़ा आता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अगर आपने पास नहीं बनवा रखा तो चिंता वाली बात नहीं है, आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं और आपको इंस्टेंट आपको पास बना के दे देंगे, आप इसके थ्रू आप अपने एंट्री कर सकते हैं यहाँ। ऐसी दुकानें बहुत मिलेंगी आपको जो आपको ये रेनकोट, लकड़ी ये सब मुहैया कराएंगे। रेट भी मेरे को ठीक ही लगा, लकड़ी का रेट 30 रुपये, रेनकोट का रेट 100 रुपये, पूरे फुल बाजू वाले का 450 रुपये, ठीक है। तो बहुत लंबे अरसे बाद हमें अब गाड़ी में हम बैठेंगे, अब यहाँ से मिलेगी गाड़ी, अब यहाँ से गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिलेगी। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, भेज दिया है मुझे, बहुत बीच रखा है, देख रहे हो मैं एक आधे इंसान के जगह पे बैठा हुआ हूँ। वीडियो का जाम बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों ने सोचा कि आधा किलोमीटर रह गया तो हमने सोचा कि ट्रैक कर लेते हैं आधा किलोमीटर, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, अब गौरीकुंड में स्नान करके अब हम निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ से हमारी 16 किलोमीटर की चढ़ाई स्टार्ट होती है। अगर आप सीधे चले जाते हो तो केदारनाथ की चढ़ाई आप स्टार्ट करना शुरू करना स्टार्ट कर दोगे, और नीचे आते हो तो आप आओगे गौरीकुंड। यहाँ से पीछे से ये सीधा रास्ता केदारनाथ के रास्ते तरफ चले जाता है और ये रास्ता गौरीकुंड। ये है गौरीकुंड, यहाँ पर गर्म पानी मिलता है, दिखने में ठंडा लगता है लेकिन वाकई में बहुत गर्म पानी है। अब हम नहा रहे हैं गौरीकुंड में, दिनेश पहले ही नहा रहा है, बहुत गर्म पानी है, मेरे लिए तो गर्म पानी है, पता नहीं कैसे लगता है। मौसम चेंज हो गया है, बारिश आने लग गया है, गौरीकुंड से गन्ना के पर निकल गए, तो अभी हमें प्लान बना रहे हैं कि बैग ज़्यादा भारी हो गए हैं तो बैग को यहीं पर ही किसी दुकान पर रखवा देते हैं, आते समय उठा लेंगे। और बैग ज़्यादा भारी हो जाएगा सोच के एक लॉकर रूम और लिया है, और
एक बैग दिया है, इसका रेट 100 रुपये दिया, और ये बोल रहे हैं कि आप 2-3 दिन जितना भी होगा आपका ये उतने दिन के रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाने का जो टोटल प्राइस आया हुआ है 600 रुपये, वैसे 150 रुपये थाली थी, बोला था हमने 600 रुपये थाली ले लेते, बट हमारे बड़े भाई को ऐसा लगा कि कम कम खाएंगे सोच के, बट बात बराबर ही पड़ा। हमारी खाना खाने के बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। अब तुम खुद ही बताओ कि आदमी कहाँ चले, घोड़ा कहाँ चले, आदमी चलने की तो जगह ही नहीं, सब घोड़े घोड़े। आधा किलोमीटर कंप्लीट हो गया हमारा। यस, बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अभी। यस, इनकी हालत खराब करूंगा जब आएंगे ना ये लास्ट के, जब 3-4 किलोमीटर रह जाएंगे तब तो। सब आगे चल रहा है, इसी बंदे को दिखाऊंगा एंड में इसकी हालत क्या होगी, इसी को लास्ट में इसी को दिखा, 10 किलोमीटर के बाद देख इसी को दिखाएंगे क्या हाल होता है इसका। नाउ वी आर एंटरिंग केदारनाथ ट्रैक, शुरुआत तो पहले होगी थी लेकिन ऑफिशियली अब यहाँ से होती है। आ रहा है मेरे को कंप्लीटेड 4 किलोमीटर, अभी तक तो ऐसी कोई थकान महसूस हुई नहीं है, लेट्स सी आगे क्या होता है। ये लोग भी अभी एनर्जेटिक ही फील कर रहे हैं, हाँ लेकिन ये रुक बहुत ज़्यादा रहे बीच बीच में, बट वे दो हमारे ऐसे हैं कि उनको हर 2-2 मिनट पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, नमकीन चाहिए, हम स्टिंग भी चाहिए। हम लोग सही है भाई, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सही, हम तो चाहते हैं एक बार में खींच लेंगे ना, रुके ना बार बार। फिर 6 किलोमीटर, यस अभी 10 किलोमीटर और बाकी है, तो चलना है। यहाँ आदमी से कम खच्चर ज़्यादा है, किसान लोगों का प्रॉब्लम है यार पैदल चलने में, बूढ़ा हो बुजुर्ग हो लड़का लड़की जो कोई भी सारे खच्चर में जा रहे हैं। 7 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, जो कि एक शॉर्टकट पड़ता है छोटा सा, थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्टकट तो ऐसा है कि वो आगे जाके सीधी चढ़ाई हो जाती है, और एक है नॉर्मल रास्ता, ये रास्ता ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे लेके जाएगा आपको, और ये जो रास्ता है ये ऐसे जाके उधर पुल है, पुल क्रॉस करके ऐसे चढ़ा देगा। तो इच्छा है जैसे चाहे वैसे कर सकते, हम लोग तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाए सोच के, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 4-1 बज गया अभी, 12 बजे स्टार्ट कर, कितने बज गए टाइम, टाइम देखो, हाँ 12 बजे स्टार्ट किया था, 3 बज चुके हैं अभी ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं हमने 7-1 किलोमीटर कम्प्लीट किया अभी, अभी कवर करते हैं देखते हैं। उसकी वाट लगी पड़ी हुई है, ऊपर से बैग और दे दिया हमने उसको। कंप्लीटेड 8 किलोमीटर, अभी 8 किलोमीटर और बाकी है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है, पिछली बार ज़्यादा थकान लग रही है, इस बार ज़्यादा थकान नहीं लग रही, मे भी दूसरी बार आना इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये भी ठीक है, रुक रुक के जैसे भी करके लोग आ रहे हैं, बट कुछ इस बात की है, लास्ट टाइम अकेला आया था, इस टाइम फैमिली के साथ दोस्तों के साथ। तो साले शॉर्टकट लेके आ रहे हैं इधर से फिर भी कैसा लग रहा है, मजा आ गया भाई। ये है चिकित्सालय, यहाँ पर मुफ्त इलाज होता है सरकार के द्वारा, एक बंदा अपॉइंट किया जाता है, वो 5-15 दिन यहाँ रहता है, 15 दिन और कोई आ जाएगा। अभी फ़िलहाल सोनू और दिनेश इन दोनों को सर में दर्द और पैर दर्द हो रहा था, तो ये बोले कि यार दवाई ले लेते हैं थोड़ा सी, इन लोगों ने दवाई तो ले ली है, और अब फिलहाल ऊपर चढ़ रहे हैं, अब मौसम बदलता जा रहा है, ठंडी हवाएँ चलने स्टार्ट हो गई, मिलते हैं ऊपर। अंकुर भाई कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, मुँह से बता रहा है कि कैसा रहा अभी, बेचारी का मुँह देखो क्या कैसा लग रहा है इधर भी देखो वो देखो, हालत खराब है बेचारे की हम लोग सभी लोग दिनेश और मज़ा आ रहा है भाई चढ़ने में।
We completed 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पार करने के बाद अब कुछ ऐसा भी आता है। ये व्यू देखने के बाद हमारा 10 किलोमीटर की जो थकान है वो चुटके में खत्म हो गया। 10 किलोमीटर की थकान कैसी लग रही है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, पता नहीं हार हो गया। ये लोग थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। शिव जी भी पूरी परीक्षा लेते हैं इंसान है, उनके दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, दवाई लेके चल रहे हैं फिलहाल, तो जैसे तैसे इनको रोक रहे हैं, जैसे तैसे रोक रहे हैं कि भाई दवाई ना ले। दिनेश एज यूजुअल आगे चल रहा है हमेशा की तरह। महादेव वी आर टेकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट लेके कैसा लग रहा है? अभी चढ़ ही रहे हैं, देखो पहुंच जाएंगे ऐसा कुछ है, लेकिन हमने सोनू की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट चढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अब आधा किलोमीटर चढ़ाई आधा किलोमीटर की और रह गई है, उसके बाद देखते हैं कैसा व्यू आता है। हम लोगों ने टेंट ले लिए हैं और हम लोग यहाँ पर टेंट में रुक रहे हैं। अभी हमारे में हिम्मत बिल्कुल नहीं है आगे जाने की, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर ही है, बस सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी आप आओ तो फिर प्लीज़ वो करो, कपड़े मोटे लेके आना, हल्के वाले मोटे कपड़े लेके आना, बस यही मैं कहूँगा। थोड़ा पेशेंस रखना, पहुँच जाओगे आप भी। और टेंट का प्राइस जो है वो 900 रुपये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हमें तो ठीक लगा। और मिलते हैं आप सुबह।